आज विरोध पक्ष तरीके अमे आ प्रश्नों ने वाचा आपीए छे अने आवती काल उपर सत्ता में आवशुं तो जय जवान अने जय किसान ना पहली कैबिनेट मीटिंग में अमे आ प्रश्नों उकेलीशुं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो पिछले 5 साल में जितने शहीद हुए थे अगले 10 दिन में उनको दे दो, और अगर नहीं दोगे तो जनता सोचेगी झूठ बोल रहे हैं। माजी सैनिकों की जो मांग पर राजकीय रोटला शेकवा प्रयास कर मांग ने राज्य सरकार द्वारा सोमवार रात्र स्वीकारी ली है। गुजरात सरकारे देश माटे सर्वोच्च बलिदान आपनार गुजरातना वतनी शहीद जवानना परिवारोने अपाती सहायनी रकम 1 लाख रूपियाथी वधारीने 1 करोड़ करवानी जाहेरात करी छे। जो कि हवे कांग्रेसना नेताओए आंदोलन करी रहेला माजी सैनिकों साथे मुलाकात करी अने सरकारने घेरवानो प्रयास कर्यो। 75 वर्षनी आजादीनी उजवणी करी रह्या छे। आ आजादीनी उजवणी जो थती होय एमां सविशेष फाळो माँ भारती रक्षण करता आ वीर जवानों छे एम कहूँ तो खोटू नहीं। एमनी जे मांगणीओ छे ए मांगणीओ ने पालन करवा एने आपवा माटे सरकारना तंत्र में बेहला वहीवटी अधिकारीओ येन केन प्रकारे गूंचवाड़ो उभो करीने जे व्याजबी मांगणीओ छे जेने स्वीकारेली मांगणीओ छे ए पूरी करवी जोईए। तो बीजी तरफ आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाले पण आ मुद्दे सरकार पर आकरा प्रहार करिया। गुजरात के पूर्व सैनिक भी यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा इनकी मांग जायज है, 1 करोड़ रुपया गुजरात के सैनिकों को भी मिलना चाहिए। तो गुजरात सरकार ने कल ऐलान तो किया लेकिन लोग कह रहे हैं देंगे नहीं, क्योंकि अगर इनकी देने की नीयत होती तो बीजेपी पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब जगह करती, बाकी कहीं नहीं किया, गुजरात में किया। राज्य सरकारे माजी सैनिकों ने कई मांगणीओ स्वीकारी तेना विषे बात करिए तो शहीद जवानना परिवार ने 1 करोड़ नी सहाय आपी, शहीद जवानना बाळकोने 5,000 रूपया शिक्षण सहाय आपी, शहीद जवानना माता पिता ने मासिक 5,000 रूपया नी सहाय आपी, अपंग जवानना किस्सामां 2.5 लाख रूपयानी आर्थिक सहाय अथवा महीने 5,000 नी सहाय आपी, अपरिणित शहीद जवानना किस्सामां माता पिता ने 5 लाख रूपयानी सहाय आपी। जो कि हजी अन्य 14 मांगणीओने लईने माजी सैनिकों विरोध करी रह्या छे अने राजकीय पक्षों राजनीतिना रोटला शेकी रह्या छे। ब्रिजेश दोशी, जी मीडिया, गांधीनगर।